सूरज ये रहा, हमारे बहुत करीब है, हम इसे अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। तेज चमकने वाले सूरज के साथ लोग बेहद खूबसूरत और रोमानी अंदाज में फोटो खिंचवाते हैं, कभी ढलते सूरज के साथ तो कभी उगते हुए सूरज के साथ। लाल रंग में रंगते हुए बेहद खूबसूरत नजारे के साथ लोग बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फोटो खिंचवाते हैं। सूरज हमारे बहुत करीब है, हम उसे बहुत नजदीक से देख सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या आप असलियत में जानते हैं कि सूरज की दूरी कितनी है? हम आपको बताते हैं कि सूरज पृथ्वी से कितना दूर है। पृथ्वी से सूरज की औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है। अब आपको बताते हैं कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जहां लोग सुबह सुबह सूरज की किरणों के दर्शन करने के लिए इंतजार में बैठे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज की एक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। वही आपको बता दें कि आपने कैप्टन मार्वल मूवी का नाम तो सुना ही होगा। इस मूवी में लाइट के निजात के बारे में बताया गया है, लेकिन यह सिर्फ एक फैंटेसी है, क्योंकि लाइट के निजात होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सूरज के प्रकाश की गति यानी सूरज के किरणों की स्पीड 3,00,000 किलोमीटर है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सूरज से कुछ जुड़ी रोचक बातें। भारत चंद्र विजय करने के बाद सूरज को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार है। सूरज का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदित्य L1 मिशन कल शनिवार 2 सितंबर को लॉन्च हो गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ये भारत का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास का सोलर मिशन है। जहां आदित्य L1 पहुंचेगा, यह 15,00,000 किलोमीटर का सफर आदित्य L1 120 दिन यानी 4 महीने में पूरा करेगा। इस मिशन के तहत सूरज के रहस्यों को समझने की कोशिश की जाएगी। इस मिशन के जरिए भारत को सूरज से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है आदित्य L1। आसान भाषा में आपको समझाते हैं, आदित्य मतलब हमारा सूरज। लेकिन ये L1 क्या है? लैंग्वेज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा। बाकी कुछ याद हो ना हो, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको बता दें, स्पेस में भी यही रूल फॉलो होता है। अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है, तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे के साथ खेल खेलते रहते हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां दोनों के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और वो पॉइंट होता है L1, जिसे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। इसीलिए L पॉइंट स्पेस मिशन के लिए बहुत जरूरी होता है। आदित्य L1 के जरिए भारत सूरज की तरफ कदम बढ़ा रहा है। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस रहता है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज को बर्दाश्त कर सके, इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाता है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी लगे तो कहीं वह मारा ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन आप निश्चिंत रहे, उसे इसी प्रकार से बनाया गया है जिससे उसके खराब होने के चांसेस कम है। सौर तूफानों के आने की वजह और लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, यह जानने के लिए आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की भी स्टडी करेगा, साथ ही सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा और सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास भी करेगा। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं, नहीं तो वो कब का सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसीलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सूरज की स्टडी की जा रही है ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। आपको बता दें, आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों से कई पर्दे उठाएगा, जिसमें ऑर्बिट का तापमान और तूफान, सूर्य की प्रकाश किरणें आदि शामिल है। संपूर्ण मानवता की सेवा के ध्येय के साथ कल नए भारत की सामर्थ्य का प्रतीक आदित्य L1
मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। उम्मीद करते हैं पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर रहकर आदित्य एल्विन द्वारा सूर्य की स्टडी से कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाकर भारत अंतरिक्ष विज्ञान में कीर्तिमान स्थापित करेगा और पूरी दुनिया भारत की महिमा गाएगी। नमस्कार।